अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो अब आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था आपको पता चलेगा, आपको कैसा रिपेयर करना है वो भी पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास एक सैमसंग का ये 51 मॉडल है, तो ये फ़ोन भी डेड है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे, जैसे आप इधर देख सकते हैं, इधर ये क्या है, मैं ट्रिगरिंग करने के बाद में 1390 पे ये स्ट्रक हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, सीपीयू का और इसका रैम का रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को फॉलोअप करना है। तो सबसे पहले हमारे को इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। क्या है, ये जो ऊपर लगा है ये रैम है, रैम की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। सिर्फ हमारे को इसके अंदर रैम रिवॉल्व करने से भी हो जाता है, लेकिन हमारे को क्या है, इसके अंदर हैंड स्किल जो है हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट रहेगा तो आपका ये सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, इसके अंदर सिर्फ रैम निकाल के उसको रिवॉल्व करके नेक्स्ट क्या होगा वो प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर मैं रैम नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए मैं आपको रैम रिमूव करके आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर क्या है, सिर्फ मैंने इसके अंदर रैम रिमूव किया है, ठीक है। अभी ये जो रैम, सिर्फ रैम के लिए मतलब सिर्फ ये रैम रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा अभी आपको थोड़ी देर में ही बता दूंगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है, अभी मेरे को सिर्फ क्या रैम क्या करना जरूरी है या सीपीयू भी निकालना है इसके अंदर। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद चेक करने पर हमारे को पता चल जाएगा इसके अंदर अभी हमारे को सीपीयू निकालना है या नहीं निकालना है। तो इस साइड में देखिए, इस साइड में का जो ग्लो ऐसा ही है। तो अभी इधर देख सकते हैं हमारा 1400 पे क्या हो रहा है, वोल्टेज स्ट्रक अप हो रहा है, ओके। तो अभी इसके अंदर क्या है,
सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को रैम रिवॉल्व करके लगाने से फोन चालू हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं वो भी आपको इधर प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा। कुछ देख तुमने इसके अंदर हमारा पूरा भी अभी इसको हमारे को क्या है ड्रम होल बनाना है इसके। ये जैसा हमारा ड्रम होल बनेगा उसके बाद हमारा इसके ऊपर रैम माउंट होगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, मैंने सीपीयू अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, रैम निकालने के बाद सीपीयू निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो अभी इधर देखिए, इधर मैंने ग्लू कट नहीं किया था। ठीक है, तो अभी इधर का ग्लू वैसा ही है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रैम को निकाला हूँ। अभी इसको ड्रम होल बनाने के बाद मैं रैम माउंट करूंगा। इधर देखो, इधर पूरा भी हमारा क्या है, सारा कुछ पीपीडी लग गया है। ओके, तो इसके अंदर देखो ऑलमोस्ट ऑल सारे कुछ हमारे ड्रम होल बन गए। अभी इधर क्या है, इधर थोड़ा और इधर थोड़ा है और उसको भी बनाना है। तो इधर देखिए हमारा सारा ड्रम होल बन गया। ओके, अभी हर बॉल भी है, पूरा भी इक्वल एंड है। और आपको और एक बार भी बता देता हूं, इधर देखिए मैंने अभी तक इधर ग्लू कट ही नहीं किया, तो दिख रहा है ना, ये लिक्विड में है, ग्लू है ये, इधर दिख रहा है। अभी तक मैंने इसको कट ही नहीं किया, इधर देख सकते हैं आप। ओके, तो अगर मैं ये सीपीयू निकाला होता तो इधर ये ग्लू नहीं रहता,
तो अभी इसके अंदर क्या है, एक लाइन के अंदर है यार सारा कुछ ग्लो ऐसा ही है इधर। हाँ अभी इसके अंदर मैं क्या है इसका जो रैम है वो इंस्टॉल करूंगा, अभी मैं इसको माउंट करूंगा, उसके बाद देखेंगे हमारा इसके अंदर रिजल्ट क्या, फोन ऑन में होगा या नहीं होगा, क्या होगा वो चीज देखेंगे अभी हम इसके अंदर। तो इधर देख सकते हैं आप, तो अभी भी इसके अंदर क्या है इसका जो ग्लो मैंने पहले ही बताया था, मैंने कट नहीं किया बोल के, तो अभी भी आप इधर देख सकते हैं इसका ग्लो अभी तक इस साइड पे कट नहीं है। तो मैंने रैम को सारा कुछ माउंट कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरे हैंडसेट के अंदर क्या हो रहा है कि एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रहा है, तो इस वजह से जो मैंने माउंट किया है उसका वीडियो नहीं आया है, लेकिन तो ये वीडियो वही है। हाँ तो आप इधर देख सकते हैं इधर सारा कुछ ग्लो ऐसा ही है। ओके अभी इसके अंदर देखेंगे ये हमारा फोन, अभी ये थोड़ा इसको कूल होना है, अभी थोड़ा कूल होने के बाद में देखेंगे अभी ये फोन हमारा स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन में आएगा वो चीज देखेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको कुछ दिन जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, तो जैसा मेरा ये सैमसंग का ये 51 था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैंने डबल डेकर बनाया है, ये वही हैंडसेट है। तो आप इसके अंदर ये पुत्र ये इसका आपका ये जो पहले का वीडियो था उसके अंदर और इसके अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंदर क्या है हमारा जो रैम था वो माउंट हो गया है, अभी इसके अंदर ट्रिगरिंग करके देखेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं अभी हमारा वोल्टेज कितना बना रहा है फोन, ये चालू होगा या नहीं होगा। तो इधर देख सकते हैं अभी ये हमारा क्या है ये रीडिंग लेने का स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है अभी ये फोन वर्किंग में है। ओके तो अभी इधर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं ऑन करके भी। अभी ये हमारा फोन क्या करेंगे, अभी इधर ऑन चार्जिंग का लोगो भी बता रहा है इधर। चार्जिंग भी हो रहा है अभी, फोन स्टार्ट करके देखें। तो अभी हमारा फोन भी क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो अब आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था आपको पता चलेगा, आपको कैसे रिपेयर करना है वो भी पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए।